Now we have to give the double effects of adjustments. Adjustments ke double effects. First adjustment. Closing stock on 31st March 95 valued at rupees 18,500. The closing stock iska pehla effect. Trading account credit side. By closing stock. Closing stock 18,500. So first effect trading account credit side by closing stock outside column 18,500. ये closing stock का दूसरा effect. Closing stock का दूसरा effect balance sheet asset side. Closing stock 18,500. First effect trading credit, second effect balance sheet assets. Second adjustment goods worth rupees 3000 taken by Sachin for his personal use were not entered in the books of accounts. So meaning of this adjustment goods withdrawn by partner for personal use. पहला इफेक्ट जो है फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. लिखते समय क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लिखना है बाय गुड्स विड्रॉन. गुड्स वर्थ रुपीज 3000 टेकन बाय सचिन फॉर हिज पर्सनल यूज. तो एडजस्टमेंट का मीनिंग है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज. पहला इफेक्ट जो है फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स विड्रॉन. इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुड्स विड्रॉन. अमाउंट सचिन के कॉलम में लिखना है 3000. तो सेकेंड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. थर्ड एडजस्टमेंट गुड्स वर्थ रुपीज 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम रुपीज 3500. तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड. Trading account credit side. Goods destroyed 5000 outside column. इसका दूसरा इफेक्ट balance sheet asset side. Balance sheet में आपको लिखना है insurance company's claim. बैलेंस शीट में आपको डेटर्स में से माइनस करना है बैड डेट.
ये बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट देना है, बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो बैड डेट्स लिखे इसके अंदर आपको ऐड करना है प्लस एडिशनल बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स। यू कैन राइट फर्दर बैड डेट्स, अमाउंट है 1000। फोर्थ एडजस्टमेंट, राइट ऑफ रुपीज 1000 फॉर बैड डेट्स। तो बैड डेट्स के दो इफेक्ट्स, बैलेंस शीट में पहले डेटर्स में से माइनस किए, बैड डेट्स रुपीज 1000 माइनस करके डेटर्स का फिगर इनर कॉलम में रखा है 44000। ये बैड डेट्स 1000 रुपीज का दूसरा इफेक्ट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स के अंदर ऐड किया एडिशनल बैड डेट्स 1000। फोर्थ एडजस्टमेंट सेकंड पार्ट, फोर्थ एडजस्टमेंट सेकंड पार्ट, क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। तो आरडीडी के दो इफेक्ट्स, आरडीडी का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स। बैलेंस शीट में आपको डेटर्स में से माइनस करना है 5% आरडीडी। ये जो 5% आरडीडी है ये 44000 पे कैलकुलेट करना है। 5% आरडीडी, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 44000। तो 44000 का 5% 2200, आउटसाइड कॉलम में 41800। आरडीडी का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस किया है 5% आरडीडी, ये 5% 44000 में कैलकुलेट किया है। ये आरडीडी इसका दूसरा इफेक्ट, आरडीडी का दूसरा इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है प्लस न्यू आरडीडी। एडजस्टमेंट के अंदर जो आरडीडी रहता है वो हमेशा आपका रहता है न्यू आरडीडी 2200। प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स में ऐड किया न्यू आरडीडी 2200। अभी तीनों का टोटल करना है, बैड डेट्स 750, एडिशनल बैड डेट्स के 1000 एंड न्यू आरडीडी के 2200। टोटल आउटसाइड कॉलम में 3950। फिफ्थ एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 95। ये जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है इसका आपको वर्किंग नोट करना है, फिफ्थ एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रखा है वहां पे वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट को टाइटल देना है प्रीपेड इंश्योरेंस। टाइटल फॉर द वर्किंग नोट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। वर्किंग नोट हमेशा आपको बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रखा वहां पे करना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 95। तो यहां पे आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेट है आपका 31st March 95। तो मंथ्स आपको 31st March 95 यहां से मंथ्स कैलकुलेट करने हैं अप टू द डेट ऑफ इंश्योरेंस गिवन द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर आपको डेट दिया है 30th June 95। तो मंथ्स कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम 31st March 95 टिल 30th June 95। तो वर्किंग नोट में पहले मंथ्स लिखना है 31st March 95 टू 30th June 95। 31st March ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेट है और एडजस्टमेंट में डेट दिया 30th June। तो 31st March टू 30th June इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 3 months। अभी 3 months का अमाउंट कैलकुलेट करना है, 3 months का अमाउंट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो तुमने इंश्योरेंस लिखा है 400, प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो इंश्योरेंस लिखा है 400 ये 12 months का है। इंश्योरेंस का जो अमाउंट है जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है दैट इज ऑलवेज फॉर 12 months। तो 12 months का अमाउंट है 400, ऑन दैट बेसिस आपको 3 months का फाइंड आउट करना है। तो 12 months 400, तो 3 months
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 400 इंटू 3 अपॉन 12, तो 3 वन जो 3, 3 4 जो 12, 4 वन जो 4, तो 100 रुपीज ये आ गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस आपको दिया था 400, ये 12 मंथ्स का अमाउंट है, आपको 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो 400 इंटू 3 अपॉन 12, तो 100 रुपीज दैट इज द अमाउंट ऑफ द प्रीपेड इंश्योरेंस। ये 100 रुपीज के दो इफेक्ट देना है, 100 रुपीज के दो इफेक्ट देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस करना है प्रीपेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस में से माइनस करना है प्रीपेड 100, आउटसाइड कॉलम में 300। ये 100 रुपीज का दूसरा इफेक्ट, 100 रुपीज का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम 100, प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस किया प्रीपेड 100, 100 का दूसरा इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड। लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%, मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 15%। तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है 2.5% डेप्रिसिएशन, मशीनरी में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर में से माइनस करना है 15% डेप्रिसिएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 30,000, तो 30,000 पे 2.5%, तो 30,000 का 2.5% 750 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 29,250, मशीनरी का 10%, तो 25,000 का 10%, 25,000 का 10% 2,500, आउटसाइड कॉलम 22,500, फर्नीचर है 3,000, इसका 15%, तो 3,000 का 15% 450, आउटसाइड कॉलम में 2,550। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस किया, मशीनरी में से माइनस किया और फर्नीचर में से माइनस किया, ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट लॉस में आपको लिखना है टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग 750, मशीनरी 2,500, फर्नीचर 450। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर, ये तीनों एसेट्स में से माइनस किया है, एंड उसका दूसरा इफेक्ट हमने दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिया।